संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक विकास वैभव को बिहार अग्निशमन सेवा से पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। यह विकास वैभव का डीजी शोभा ओतकर के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद उनके तबादले की संभावना जताई जा रही थी। अहम खबर आपको बता रहे हैं पटना से, आईजी विकास वैभव समेत 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। अग्निशमन सेवा से यह तबादला हुआ है, आईजी विकास वैभव समेत 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला अग्निशमन सेवा से पुलिस मुख्यालय भेजे गए हैं। विकास वैभव, बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, पिछले दिनों विकास वैभव के ट्वीट सामने आए थे। डीजी शोभा ओतकर से विकास वैभव का जो विवाद था, उस पर जो ट्विटर पर घमासान मचा हुआ था, उसके बाद यह फैसला कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। इस बीच अग्निशमन सेवा से पुलिस मुख्यालय भेजे गए हैं आईजी विकास वैभव। तबादले से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। डीजी शोभा ओतकर से विकास वैभव का विवाद हुआ था, ट्विटर पर यह विवाद सामने आया था, एक ट्वीट सामने आया, उसके बाद दूसरे ट्वीट को चंद मिनट में ही डिलीट कर दिया गया। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे और उसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट किया था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद विभागीय तौर पर भी उनसे पूछे गए थे सवाल कि इसे सार्वजनिक तौर पर रखने की क्या जरूरत थी, आपको शिकायत है तो शिकायत करनी चाहिए थी। तो यह विवाद एक तरफ चला और उसके बाद यह खबर बेहद खास है, अग्निशमन विभाग से पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। विकास वैभव का डीजी शोभा ओतकर के साथ विवाद हुआ था और इसके बाद उनके तबादले की संभावना उसी वक्त से जताई जा रही थी। उसी वक्त कहा जा रहा था कि हो सकता है इस मामलों पर एक्शन लिए जाए। बहरहाल ये बेहद खास खबर है, जहां विवादों में घिरे आईजी विकास वैभव समेत 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया और तबादले से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक अब विकास वैभव को बिहार अग्निशमन सेवा से पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। विकास वैभव का डीजी शोभा ओतकर के साथ विवाद हुआ था और उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी। सहयोगी आदित्य झाकर करते हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। आदित्य, आईजी विकास वैभव समेत 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, क्या कुछ है जानकारी? देखिए अमृत, डीजी शोभा ओतकर के साथ जब आईजी विकास वैभव का जब विवाद हुआ था, ट्वीट के जरिए जिस तरीके से विकास वैभव ने शोभा ओतकर पर आरोप लगाया था कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बाद से लगातार उस पर राजनीति होती रही। खुद मुख्यमंत्री भी इस पर संज्ञान लिए थे और उन्होंने साफ तौर पर आपत्ति जाहिर की थी कि आईपीएस या किसी बड़े अधिकारी को इस तरीके से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। उसको लेकर के गृह विभाग की तरफ से उनसे सो कॉल नोटिस भी पूछा गया था, 15 दिनों में उनको जवाब देना के लिए कहा गया था। और जब विकास वैभव ने जवाब भी दिया, गृह विभाग के लेटर का जवाब भी दिया था, लेकिन आज गृह विभाग की तरफ से 2 एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें विकास वैभव और विनोद कुमार दोनों का तबादला अग्निशमन सेवा से पुलिस मुख्यालय कर दिया गया है कि सिर्फ पुलिस मुख्यालय में इनको और सेवा करना है, जो है वहां पर उनको अपना ज्वाइनिंग देना है, किस विभाग में और क्या उनको दायित्व मिलेगा वो इसकी अभी जानकारी नहीं है। उनको पदस्थापना की प्रतीक्षा में किस श्रेणी में रखा गया है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि उनको सेंटिंग पोस्टिंग दिया गया है। पहले जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि सेवा शर्त के का उल्लंघन किया गया, उन पर एक और आरोप लगा था कि विकास वैभव सेवा में सरकारी सेवा में रहते हुए जिस तरीके से जन सरोकार से जुड़े हुए ब्रांड विहार की को प्रमोट कर रहे हैं जी, उसको लेकर। ठीक है ठीक है, आदित्य आपसे जरा स्पष्ट जानना चाहूंगा, आईजी विकास वैभव को अब क्या जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही इन दोनों 2 आईपीएस का जो तबादला हुआ है उन्हें अब कहां भेजा गया? देखिए अमृत, दोनों को बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापना की प्रतीक्षा, माने इनको अब अभी कोई प्रभार नहीं मिला है, इनका स्थानांतरण अग्निशमन सेवा से पुलिस मुख्यालय में योगदान करने के लिए कहा गया है और अभी इनको कोई फाइल नहीं मिलेगा। ये सिर्फ अब किस पद पर आएंगे पुलिस मुख्यालय में, इनको वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा गया है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विकास वैभव को अभी सेंटिंग पोस्ट में डाला गया है, इनके जिम्मे अभी कोई भी विवाद नहीं है। जी बिल्कुल, नजर बना रखिए। आदित्य आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अहम खबर। दर्शकों को बता दें, आईजी विकास वैभव समेत 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। फिलहाल कोई भी जिम्मा विकास वैभव के पास नहीं है, इसे आमतौर पर आप सेंटिंग पोस्ट के तहत समझ सकते हैं।